हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम बोरंटी में कल सुबह करीब 10 बजे कुएं में गिरा नाबालिग नरेंद्र अभी तक नहीं मिला। कुएं में रिपेयर का काम करते गिरा नरेंद्र, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। बोरंडी बेरे समदड़ा पर पहुंचे पाली जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत, सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार रामलाल मीना, प्रधान मंगलाराम देवासी, पूर्व विधायक केसाराम चौधरी व पाली सांसद पीपी चौधरी मौके पर पहुंचे। दूसरे दिन भी 3 JCB व क्रेन द्वारा रेस्क्यू जारी है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के उपकरण की अगर आवश्यकता हो तो तुरंत मंगवा कर जल्द से जल्द ये कार्य कर कुएं में दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाले। अगर किसी साधन या उपकरण की आवश्यकता हो तो हमें अवगत करवाए। वहीं जिला कलेक्टर अंशदीप व पाली सांसद पीपी चौधरी ने परिजनों को ढांढस बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल से बोरंडी बेरा समदड़ा पर सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार व उनकी पूरी टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू में ग्रामवासी भी सहयोग कर रहे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप इन्होंने ये कहा। इसके संबंध में कुआं काफी ज्यादा गहरा है और अभी ऊपर का इसका टीम को काफी अच्छे है। कल से हमारी जो पूरी टीम है वो रही है और देखेंगे कि पूरा समय यहाँ पे काम चल रहा है और हमारी टीम यहाँ पे रही है। इंजीनियरिंग की तरफ से PWD की टीम भी है जो टेक्निकल समाधान बताती है। ऊपर का 30 फुट जो अनसेफ एरिया है, एक बार अगर वो क्लियर अप हो जाता है उसके बाद फिर जो हमारे HRS की टीम जो सरवा की बॉडी निकालने का कार्य करें वो भी पूरी जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।